वाहगुरु 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 गुरु वाहगुरु 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 गुरु वाहगुरु 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 वाह एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं
गुरप्रसाद। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, नाहन निर्मल करनी, साध संगत का अंचल लाभो, बिखम नदी जाए तरनी। से संयोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम ही उचारे। से संयोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम ही उचारे। श्लोक महला तीजा, शेखा अंदरों जोर छग तू, भाव कर झल गवाए, गुर कै भय केते निस्तरे, भय विच निरभव पाए। मन कठोर शब्द भेद तू, शांत वसै मन आए, शांति विचकार कमावनी, सा खसम पाए थाए। नानक काम क्रोध किने ना पायो, पुछो ज्ञानी जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी में सजी हुई वडभागी सात संगत, सतगुरु जी ने रहमत की है, इस पाक घड़ी सत्संग की सानू प्राप्त हुई है। सतगुरु जी ने अज जो सानू हुक्मनामा बख्शिश किया है, बिहाकड़ी की वार दे विचों नौवीं पौड़ी दे नाल जो पहला श्लोक है, इसका पाठ आप हुण सरवण किया है। रहमत कर रहे हैं सतगुरु जी, श्लोक महला तीजा, शेखा अंदरों जोर छग तों, पाओ कर चल गवाए। गुरु अमरदास पातशाह उम्र का वड्डा हिस्सा 60 साल तक तीर्थां दी यात्रा करते रहे, और हिंदू मत दे अनुसार सारे ही संस्कार करते रहे हैं, उन्हां दा परिवार भी इस तरह करता रहा। 60 साल तक गुरु ने इसी धारण किया जो उन्होंने सही मार्ग दिखाता। फिर किसी महात्मा पुरश की चोट वजी कि पुरखा इन्ना चिर हो गया तीर्थां दी यात्रा करद, इनान करद, ये धर्म कर्म करद, अजे तक तू नगुरा ही तुरै फिरदा है। बड़ी मन में चोट लगी, सारा रस्ता ही हरिद्वार तो आ रहे सी, सोचा च ही लंघ गया। रात भी नींद नहीं आई, 2-3 दिन इस तरह ही लंघ गए हैं। सारी उम्र लंघ गई, गुरु नहीं धारण किया, नगुराया ही तुरा फिरदा हाँ। कितों मिले गुरु, किहो जिहा होवेगा, किवें मिलेगा, कौन मिलाएगा, यही सोचा सोच रहे सी। एक दिन बीबी अमरो जी, जो गुरु अंगद देव पातशाह की वड्डी लड़की सी, इन्हां दे भतीजे दे नाल व्याही हुई सी, अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ रही सी, नाल घर दा काम कार कर रही सी। आवाज़ कन्नां विच पई, बड़ी खिच पई। दिन चढ़िया, जा के पुछिया कि तुसी सवेरे किस दी बाणी पढ़ रहे सी। दस्या, ये गुरु नानक पातशाह दी बाणी है, ये तो बड़ी प्यारी बाणी है, कित्थे हन गुरु नानक पातशाह, मैं उन्हां नूं मिलना चाहुंदा हाँ। कहन लगी,
गुरु नानक पातशाह तो ज्योति जोत समा चुके हैं, हुण उन्हां दी थां गुरु अंगद देव जी मेरे पिता जी जो हैं जिन्हों का नाम पहला पाई लैना सी उन्होंने गुरगद्दी बख्शिश की है तो खडूर साहब वो सिखी की जोत जगा रहे हैं। हाथ जोड़ के बेनती की भावें नौ लगती सी फिर भी हाथ जोड़ के कहा कि बीबी मैनू लै चल उत्थे लैके आ गई। गुरु महाराज के दर्शन किए सदा लई ही गुरु अंगद देव जी दे बन गए। जो कुछ पिछे किया सब कुछ भुल गए, सेवा विच लगे रहे। 12 साल कालना कर ली सिमरन अते सेवा दी ते अखीर इम्तिहान आया। बहुत चखड़ मीह बहुत तेज अमृत वेले 2 बजे गुरु महाराज का इशनान कराना सी। ये सेवा बाबा अमरदास जी दे जम्मे सी। सोचते हैं हुण किवें जावां पर मीह चखड़ दे विच ही चल पै। ब्यास दरिया तो पानी की गागर लैके आउंदे सी। महाराज का हुक्म सी कि उत्थों पानी लैके आया करो। ये वड्डी घालना सी। जांदियां भी गुरु वल ध्यान, आउंदियां भी गुरु वल ध्यान। जिन्ना चिर गुरु दे कोल रहना सेवा करदे रहना। 12 साल तो बाद सेवा प्रवान हुई। गुरु अंगद देव पातशाह ने त्रिख के 12 बार बख्शिश किए, गुरगद्दी बख्शिश की। दातू जी ने विरोध किया। गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास पातशाह नूं कहा कि तुसी खडूर साहब छड़ के गोइंदवाल साहब चल जाओ। ये नगर पहला वसा चुके सन। गोइंदवाल साहब आ गए, गुरु अंगद देव पातशाह ज्योति जोत समा गए। दातू ने बथेरा जोर लाया कि मैं गद्दी का मालिक बना, लोकी मेरे को आन मत्था टेकन, पर कोई नहीं आया। सारी दुनिया ही गुरु अमरदास पातशाह वल तुर पई। गुस्से विच आ के कुछ बंदियां नूं नाल लै के गया, महाराज की नरादरी की, संगत च बैठिया नूं लत मारी, थले डेक दिता मंजी तों। सतगुरु जी उठ के निम्रता दे नाल दातू जी दे चरण कुटन लग पाए कि मेरी ही गलती है, तुसी गुरु पुत्र हो, मैं तुहाडे सत्कार वजों उठ के खड़ा नहीं होया, तुहाडा सत्कार नहीं किया, इस करके मैनू लत वजी है। कहन लगा इत्थे नहीं रहना, तुसी साडे सेवक हो, सेवक बन के रहना ते रहो, छड के चल जाओ इत्थों सब कुछ। चले गए, बस के पहुँच गए। बाहर कोठे विच जा के बाहरों अंदरों कुंडा ला के बैठ गए। बाहर लिख के लाता इस खोले ना कोई दरवाजे नूं, जिहड़ा खोलेगा वो गुरु तो बेमुख होवेगा। आने वाले समय का पता सी महाराज नूं। संगतां ने अगले दिन लभ्या, दातू दी तां गल ना बनी कोई, सारा साजो समान चुक के उत्थों तुर पिया। रस्ते च चोरां ने लुट लिया और कुटमार भी की। शर्मसार होके खडूर साहब जाके बह गया। गुरु अमरदास पातशाह जदों दिसे नहीं गोइंदवाल साहब, सारिया संगतां बड़ियां बेहबल होईयां। बाबा बुढ़ा जी नूं बेनती की, महापुरशो जिवें तुसी गुरु अंगद देव जी नूं लभिया सी, हुण गुरु अमरदास जी नूं लभो, साडा कोई होर सहारा नहीं है। बाबा जी अंतर ध्यान होके वेख्या, संगत नूं बेनती की महाराज की जिहड़ी घोड़ी है उसनों लिया, उसका इशनान कराओ। जिधर घोड़ी उन्हां दी जावे उसते मगर मगर सारे तुरे चलीए, घोड़ी लै जाएगी सानूं उत्थे जिथे गुरु अमरदास पातशाह विराजे हुए हैं। घोड़ी का इशनान कराया, लै के घोड़ी जिहड़ी सी अगे अगे तुरी गई, उत्थे बासर के जाके पहुँच गई। उस ही कोठे दे घेरे घेरे घूमन लगी।
बाबा जी नूं पता लग गया कि इत्थे हन महाराज। देखिया अगे तां लिख के लाया होया, इहनूं खोले कोई ना दरवाजे नूं, पिछों सन ला ली, पाड़ पा लिया जिवें चोर लाउंदे हन, पिछों सन ला के विच्चों दी लंघ के बाबा जी ने जाके मत्था टेकिया। जदों चढ़ना नूं सीस लगा, महाराज ने नेत्र खोले, देखिया बाबा बुढ़ा जी सामने हन। पुछया, बाबा जी तुसी किवें इत्थे किवें आ गए? इस्तंबार लिख के लाया है, महाराज मैं तुहाडी आग्या दा पालन कीता है, अग्यों दरवाजा नहीं खोलिया है, पिछों दी सन लग गया है। गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बाबा बुढ़ा जी नूं कहन लगे, दसो। कहिंदे, महाराज संगतां बाहर देखो किवें बेबल हन दर्शनां वास्ते, तुसीं बाहर आओ, गोइंदवाल साहिब चलो। कहिंदे, नहीं उत्थे तां दातू जी कलेश कर रहे हन। कहिंदे, महाराज उह तां चले गया है। कुछ दिन रह के नहीं गल बनी उस दी, तुसीं आओ। वापस आ गए, निम्रता अत दी निम्रता गुरु अमरदास जी दे विच सेवा आरंभ हो गई। लंगर आते नाल ही संगत, एक पासे पंगत दूजे बने संगत। ये प्रथा जिहड़ी पहलां गुरु नानक पातशाह दे वेले तों चली आ रही सी, गुरु अंगद देव जी ने चलाई, फिर ये उसे तरह ही शुरू हो गई। सेवा चलती रही सहज सहज दे नाल, गुरु महाराज दी सारे पासे शोभा फैल गई। कुछ लोग कट्टर धर्मी लोग जिहड़े हिंदू अते मुसलमान सन, इन्हां ने गुरु महाराज दीआं शिकायतां सरकारी दरबारे कीतीआं। बहुती वारी तां शर्मिंदियां होणा पिआ इन्हां नूं। भाई जेठा जी जिहड़े महाराज सेवा विच सन, उन्हां नूं भेज के महाराज समें दी हुकूमत दी तसल्ली करवा दिंदे सन। महाराज दे चंगे नेक कम वेख के, परपकार वेख के, अकबर बादशाह भी उत्थे आया, दर्शन कीते, लंगर च बैठ के, पंगत च बैठ के प्रशादा छकिया और महाराज ने नमस्कार कीती, असीसां लईआं। इस सती दी प्रथा जिहड़ी सी, महाराज ने जिहड़ियां बीबियां दे घर वाले मर जांदे सन उहनां नूं मजबूर कीता जांदा सी उहनां दी चिखा विच सड़न लई, सती दी प्रथा। महाराज ने इस दे विरुद्ध भी आवाज़ उठाई सी, बाणी विच भी महाराज ने शब्द लिखे हन। फिर अकबर बादशाह नूं कह के कानून बनवा दिता कि जिहड़ा कोई अजिहा करेगा वह उस नूं सजा मिलेगी कानून द्वारा। उस तों बाद यह सती दी प्रथा जिहड़ी हिंदुस्तान च हिंदू लोकां ने प्रचलित कीती सी, खत्म हो गई। इंज सब पासे गुरु की जय जयकार होने लगी। जिवें आपां परसों सुन रहे सी कि जिहड़े उत्थे रहण वाले गोंदे दे पुत्तर सगोंदा तां मर गया सी, वह भी गुरु महाराज दे नाल वैर करन लग पए, कुछ लोगों के चुके चुकाए हुए। इस तरह शेख लोग, मुसलमान लोग भी इत्थे आए सन, उन्होंने भी ईरखा करनी शुरू कर दिती और गुरु महाराज दे सिखां नूं दुख देना शुरू कर दिता। महाराज ने सुनेहा भी भेजिया जिहड़े उन्हां दे मुखी सन उन्हां नूं कि तुसीं अजिहा ना करो, पर नहीं टले नहीं। इस तरह बड़े पंडित भी जिहड़े विद्वान पंडित सन, जिन्हां को कई कई ऊठ लद्दे हुंदे सन ग्रंथां दे, जिन्हां ने बड़े बड़े विद्वानां नूं जित्तिया हुंदा सी, वह भी महाराज को आ के उत्थे गोइंदवाल साहिब चर्चा करदे रहे। और इत्थों तक कि महाराज दे वचन सुन के सारे ग्रंथ व्यास दरिया विच सुट दित्ते, महाराज दे सेवक बन गए। बहुत सारे मुसलमान भी जिहड़े सन वह भी गुरु महाराज दे सेवक बन गए। पर कुछ लोग ये अजिहा हर वेले ते हर थां ही हुंदा, वो ये बर्दाश्त नहीं सन कर सकते कि गुरु महाराज की इन्नी महिमा।
कुछ उत्थे किताबा वेखा होया सी ए भी गुरु महाराज का विरोध करता सी ते ए भी लोगों नूं सिखाउंदा सी कि तुसीं गुरु नूं इत्थों कढो जिवें गुरु अंगद देव जी नूं कढाया सी उत्थे उही कुछ ये कर रहा सी। इंज एक पासे तां महाराज परपकार कर रहे हैं बौली साहब की सेवा 84 पौड़ियां दी बौली साहब बनाई है जिथों हर एक इंसान नूं पाणी लैण दी आग्या है। इस तरह होर परपकार कीते महाराज ने शराब के विरुद्ध बहुत वड्डी आवाज़ उठाई महाराज ने सती की प्रथा विरुद्ध बड़ी वड्डी जिहड़ी इस ते मरने पड़ने दे जिहड़ियां रस्मां सीगियां रोना पिटना ये सारा कुछ इस दे विरुद्ध भी महाराज ने आवाज़ उठाई। सारा कुछ जिहड़ा हो रहा सी एक पासे तां महाराज परपकार कर रहे सन दूजे पासे अजिहे लोग सन जिहड़े महाराज दे नाल ईरखा कर रहे सन। ये जो श्लोक आपां हुण पढ़िया सुनिया है ना इहदे विच अजिहे एक इंसान का जो शेख है मुसलमान है इहदा जिक्र महाराज ने किया है। महाराज दे कोल आया बड़ा हंकारिया होया सी अमीर सी बंदा बड़ा हंकारिया होया सी और महाराज का कोई सत्कार नहीं इन्हें किया किंतु परंतु किया और महाराज दे नाल आ के बहस करनी शुरू कर दिती। इन्हूं फिर महाराज ने उपदेश दिता है जो ये सारिया वास्ते है। महाराज का जो उपदेश हुंदा है ना ये सदा वास्ते हुंदा है ते सारिया वास्ते ही हुंदा है। इहो जे सुभाव वाले जिन्ने लोग हन उन्हां सारिया वास्ते ही उपदेश है चाहे कोई सिख है ब्राह्मण है जां कोई मुसलमान है चाहे कोई भी होर है ये सारिया वास्ते उपदेश हुंदा है। शेखा अंदरों जोर छड तू भौ कर झल गवाए हे शेख क्यों हठ कर रहा है क्यों बहस कर रहा है क्यों दुखी। बहस करने वाला हमेशा दुखी हुंदा है बहस करदें करदें कोई ना कोई मूहों वचन निकल जाता है जिहड़ा उन्हों आप नूं भी दुखी करता है तो जिन करता है वह भी दुखी हुंदा है। ये हठ हुंदा इंसान का कि मैं नहीं गल मननी मैं जो कह रहा ये ठीक है। इन्हों महाराज ने झलपुणा कहा है मूर्खपुणा कहा है पागलपुणा कहा है झल झल पागल नूं कहिंदे हन। वो शेखा की कर रहा है तो क्यों हठ कर रहा है क्यों बहसा कर रहा है पै तू भौ दे विच रहो तैनू गुरु की समर्था का पता नहीं है ये गुरु नानक की गद्दी है जिस दे अगे वड्डे वड्डे फकीर और पंडित जिहड़े हन योगी लोग सिद्ध लोग चुके हैं तू क्यों अजिहा कर रहा है गुर कै पाए किते नस्तरे पै विच निरपो पाए तैनू पता नहीं है इतिहास जानदा नहीं है गुरु का अदब करके गुरु का सत्कार करके वेख किन्नियां दा भला हो गया वाली कंधारी किन्ना हंकारिया होया सी हंकार छड के फिर महाराज के चरणां विच पै हमजा गौस किन्ना हंकारिया होया सी हंकार छड के महाराज के चरणां विच पै मलक भागो किन्ना हंकारिया होया सी वह भी हंकार छड के महाराज के चरणां विच पै गया सब का महाराज ने भला कर दिता सज्जन ठग का भला कर दिता कौड़े राक्षस का भला कर दिता भूमिए चोर का भला कर दिता नूर शाह जादूगरनी का पता नहीं किन्नया कदा किते निस्तरे किन्नया का भला कर दिता। सो यही समझाया सारे नूं कि रब दे भय दे विच रहो करो उहदे कोलों जो कुछ कर रहे हो उहदे अगे तुहाडा हठ नहीं चलना है जे उहदा अदब करोगे गुरु उहदा रूप ही गुरु है जे गुरु दा अदब सत्कार करोगे तो तुहानूं वाहिगुरु परमेश्वर जो निरभउ है उहदी प्राप्ति हो जाएगी। मन कठोर शब्द भेद तों शांत वसै मन आए हे कठोर मन वाले कठोर मन की है किसी की गल नहीं मननी है भावें अपने भले की भी गल होवे ना वह भी नहीं मननी इहनूं कठोर मन कहिंदे हन। जिते उत्ते अड़े रहना तू एक अपने जो कठोर मन है तेरा
इसे करके तो दुखी हैं। आप गुरु के शब्द न गुरु के उपदेश के नाल इन समझा भेदना की होंगे विन्नना भाव गुरु के शब्द के नाल इस मन कठोर को समझा कि जो तू कर रहा है चंगा नहीं कर रहा है ता कि तेरे मन दे विच शांति आ जाए। जो समझाएगा तैनू पता लगेगा कि मैं गलत कर रहा। शांति विचकार कमावनी सा खसम पाए थाए। जिहड़ा कम तू शांत हो के करेगा ना चाहे धर्म का है चाहे संसारी है वह लेखे च पैंदी है सफलता मिलती है उहदे विच। सा खसम पाए थाए। जे धर्म का काम भी कर रहा है तो ही वाहेगुरु दर देते प्रवान करेगा। जे तू शांत होके करेगा शांति तो ही आएगी ना जे तू हट सकेगा। तो नानक काम क्रोध किने ना पायो पुछो ज्ञानी जाए। जे नहीं तेनों समझ आती तो किसी ज्ञानवान पुरश में जाके पुछ ल। महाराज हूँ तो ज्ञानियों के ज्ञानी हैं ज्ञान के सोमे हैं फिर भी समझाने वास्ते जा किसी होर ज्ञानवान पुछ ला कि मुसलमान जो बथेरे हैं ज्ञानवान उन्होंने भी किसी जाके पुछ ला कि कोई काम ही मनुख रब नहीं पा सकता जिदे अंदर हर वे ही वासनावान जड़िया रिंदियां हैं। क्रोधी मनुख भी रब नहीं पा सकता। ये तो सारे ही कहते हैं सारे धर्म ग्रंथ भी यही गल कहते हैं। इस करके आ गल्लां छड़ दे तू एक तो तू कामी है क्रोधी है दूजा हठी है जिद करने वाला है। इस तरह रह के तू अपना कदे भी भला नहीं कर सकता। सो महाराज ने बड़े प्यार दे नाल इस नूं समझाया है। महला तीजा मनमुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार। मनमुख कौन हुंदा मन की मत पिछे चलन वाला। उदा नाम दे नाल प्यार नहीं लगता है नाम उन्हें चंगा नहीं लगता है। पहली गल तो नाम की समझ ही नहीं आती नाम की वगैई का नहीं पता लगता। वो तो धर्म में भी जे धर्म की गल भी करता वो पिछे वेखदा है कि तरीका महाराज दसा जिहदे नाल माया कट्ठी हो जाए वध तो वध मेरे को पैसे आ जाण। वो इस भावना दे नाल हर धर्म कर्म जिहड़ा है वह इस भावना दे नाल करदा है। ये हुण तो ही नहीं महाराज के समय तो नहीं उस तो पहलां तो यही गल्लां चलदियां सन। जो भी लोग साधना करते सन रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करने वास्ते रिद्धियां सिद्धियां जिहड़ियां ये भी माया है। ये कोई सिद्धी माया मंग ली किसी ने रब्बी ताकतां मंग लिया गल तो एको ही है ना। हुण जिहड़ा इस पासे पै गया उहनूं कोई प्राप्ति नहीं होई। सारी उम्र यह कुछ करदे लंघे। इस तरह ही मंत्रवाड़े बने हुए हैं हिंदू मत मुसलमाना भी होर भी ईसाइयों भी हैं यहोजियाँ जोड़े मंत्र बनाए हुए हैं। कहते कि जे तुसी जपो तो तक बहुत माया आएगी। कई उगतियां जुगतियां दसियां साढ़े भी कुछ लोगों ने व्यापार दे हिसाब के नाल कि चलो आह काम करिए तो वधिया गल बनती है। एक तुसी किताब वेखी होगी बाजार में संकट मोचन लोग बड़ी घर लिया के रखी हुई है वो कुछ शब्द इकट्ठे किए हुए हैं उस दसिया होया है कि आह शब्द इन्नी वारी पढ़ोगे तो तुहाडी आह मुराद पूरी हो जाएगी आह शब्द इन्नी वारी पढ़ोगे तो आह मुराद पूरी हो जाएगी। इहो जिहियां गल्लां लोग उत्थों वेख के पढ़ के लगे रहिंदे हन रात दिन। बहुतियां दी तो लोड़ यही हुंदी है कि माया मिले सानू उहो जिहे शब्द लभ लैंदे हन उत्थों उहनां नूं उही कुछ उस विच ही लगे रहिंदे हन। हुण प्राप्ति फिर भी नहीं हुंदी क्यों क्योंकि किसी गुरु के कोलों शब्द लिया ही नहीं है उपदेश तो लिया नहीं है। वह तो तू किताब चों पढ़िया है किताब चों पढ़े हुए का तेरे ते की असर होएगा। तैनू कोई महात्मा पुरश जिन्हें कमाई की है उस शब्द की वह तैनू शब्द दसे तो ता तेरा भला हो सकता है। वो कहे दे जिवें दसे उंज तू उस शब्द नूं जपें
जुगती दे नाल फिर तो तैनू कुछ ना कुछ मिल सकता है। जड़ा तू आपे ही जड़े जतन करता रहना है। देखो किन्नियां दवाइयां पईयां हुंदियां ने कैमिस्ट दे कोल, जिन्ना चिर डॉक्टर ना रिकमेंड करे उदा तो हुण आपां वो एक बिजनेस है उन्हां दा, वो कोई सीधा जे दवाई लैण दे दिंदे हन, उन्हां नूं भी पैसे चाहिए हैं। पर जिहड़ा नियम है वह की है कि डॉक्टर दे कोल लिखा के लियाओ वह दवाई तुहानूं देनी है। हुण जदों दवाई लिखाउण दा मतलब की है कि इस बीमारी वास्ते आह दवाई है, औड़ पौड़ कर लें फिर बीमारी बच जाती है। हुण की होया वो अपने आप इन्निया दवाइयां कदी कोई वरत ली कदी कोई वरत ली, सगों होर विगड़ गया काम। बिल्कुल इस तरह ही अजिहे लोगों का हाल हुंदा है, अपने आप ही यतन करते हैं, चलो जी गुरु ग्रंथ साहिब चों आह शब्द कर लो, इहनू जपण लग पो, इहनू जपण लग पो अपनी मर्जी दे नाल। देखो जे इदां हुंदा तां गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं महाराज ने गुरगद्दी बख्श के पंज प्यारियां दी लोड़ नहीं सी रह जाणी कि पंज प्यारे सब कुछ ही करनगे। गुरमंत्र पंज प्यारे दिंदे हन, मर्यादा पंज प्यारे दसदे हन। कल आपां सारियां गल्लां सुणियां हन। उस तों बाद फिर जिन्हां ने पंजां प्यारियां दे उपदेश नूं कमाया हुंदा है, उपदेश नूं कमा के उच्ची अवस्था प्राप्त कीती हुंदी है, जिहड़ी उन्हां दे शब्द दी कमाई है, वो जे चाहुण उन्हां दी मौज हुंदी है, बेपरवाह हुंदे हन, उन्हां नूं किसे दी मथाजगी नहीं हुंदी। वो जे किसे ते कृपा कर दें तो कह देंदे हन भाई तू आ शब्द जपया कर तेरा भला हो जाएगा, फिर इदां तां हो जांदा। सो मनमुख जिहड़े हन सिर्फ जो कुछ करदे हन वो केवल माया दी खातर करदे हन, नाम दे नाल उन्हां दा प्यार तां नहीं लगदा। कूड़ कमावे कूड़ संग्रह, कूड़ करे आहार, कमाई ही कूड़ दी करदे हन, कूड़ नूं इकट्ठा कर जिहड़ी चीज़ नासवंत है। जो छकना सो अस्थिर कर मन है, जो होवन सो दूर प्राणे, छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाई तिस पर हरे। जिहड़ी चीज़ छड़ देनी है उहदे वास्ते मेहनत करी जांदा है। ये अज ये मनमुख लोगों की हालत दसी है, कूड़ का ही खाना खाते हैं। जिहड़ा उन्होंने जाप भी किया, कुछ धर्म के कर्म भी किए, उन्होंने कादे वास्ते किए, कूड़ वास्ते। जिहड़े काम आप कूड़ नूं इकट्ठा करन वास्ते करते हैं वो काम भी कूड़े ही हो जाते हैं। बिख माया धन संच मर हैं अंते होए सब शार। फिर माया इकट्ठी कर ली, मौत आ गई, रह गई माया उत्थे दी उत्थे। शार दा मतलब सवाह, कामना ना आई जिवें सवाह परे बार सुट दे दी है, इस तरह ही वो माया छड के सारा कुछ उत्थे छड के चले गया। इन्ना खपिया ते नाल तो कुछ भी नहीं गया, जेबां भी लोगों ने खाली कर लिया। आ बीबियां ने गहने पाए होंदे हन, दास ने देखा ये भी बीबियां के कन्ना चो ला लेंदे हन, अग च कन्न साड़ने हन, देख लो खाली करके तोरदे हन। ये हालत है जिहदी खातर ये सारा कुछ हुंदा है। कर्म धर्म सो संजम कर हैं अंतर लोभ विकार। स्पष्ट करती महाराज ने मनमुख धर्म कर्म तो करते हैं, सुच संजम भी बड़ी रखते हैं, पर ध्यान कितने है, लोभ है माया की खातर। ये सारा कुछ करते कहता है माया की खातर, कि किसी ना किसी तरीके इनू महाराज जरा शब्द आम वर्त है मोमो ठगना कहते हैं। मोमो ठगने लोग, मोमो ठगना बीबिया वास्ते भी शब्द, भी बड़ी मोमो ठगनी, बड़िया मिठिया मिठिया गल् करती है तो है अंदरों ठग है, मूँह की तो मिठी है अंदरों ठग है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਧਰਮ ਦਾ ਭੇਖ ਪਾ ਕੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੇ ਮਨਮੁਖ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਥਾਏ ਨਾ ਪਵੇ ਦਰ ਗਏ ਹੋਏ ਖਵਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ।
सो जिहड़ी चीज़ कम नहीं आउणी है साडी लोड़ तां है वो लोड़ पूरी करन वास्ते चाहीदी है चीज़ उन्नी चाहीदी है जिन्नी ना लोड़ पूरी हो जाए तो जदों ही लालच करते हैं फिर दुखी होंदे हैं। लालच जड़ा है ये लालच नूं होर वधाई जांदा है। तां ही महाराज ने कहा ना सैस खटे लख उठतावे तृप्त ना आवे माया पाशे पावे अनक भुग बिखा की करे नै तृप्तावे खप खा मरे खपी जांदा है बिना संतोख नहीं कोई राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। गुरमत की है संतोखमई जीवन जीना जो तू दे ही तृप्त है अन्न कद हर वेले शुकराने च रहना जो मिल रहा है ना उन्हूं वरतना हर वे शुकराने रहना। जदों साडियां लोड़ां वधदियां हन गुरु नूं पता है बच्चा जवान हुंदा है माँ प्यो देख लो ज बच्चे दे कपड़े होर हुंदे हन जदों वड्डा हो जांदा कपड़े बदलदे जांदे हन उहदियां लोड़ां बदलदियां हन उहदे वास्ते खर्चा ज़्यादा हो जांदा है माँ प्यो नूं पता हुंदा है ना साडे गुरु नूं पता है जिहड़ियां साडियां लोड़ां वधदियां हन उस दे अनुसार गुरु आपे ही प्रबंध कर दिंदा है। लालच जिहड़ा है ना मनमुख जिहड़े लोग हन इह धर्म दे कर्म तां करदे हन पर सारा कुछ जो करदे हन इह लालच दी खातर करदे हन। इस करके इत्थे भी दुखी आशा पूरियां नहीं होईयां अधूरे रह गए धर्म कर्म भी कीते सारा कुछ कीता लेकिन प्राप्ति कोई नहीं हुई भुखे दे भुखे ही रह गए रोंदे ही गए इत्थों ते गां वाहिगुरु दे दर ते फिर अग्गों झटकां पईआं अगे करनी किरत वाची है वह लेखा कर समझाया लिया वे दस हुण तूं लेखा सामने रखता महाराज ने कि कीता की है तूं किन्ना क नाम जपया है किन्नी क सेवा कीती जिंदगी दे विच महाराज तो मैं कीता ही कुछ नहीं है चंगा है थां ना हो भी पाउंदी हुण सुणीए क्या रवाया कुट पैणी शुरू हो गई तैनूं इस काम वास्ते भेजिआ सीगा और रोंदा है बचाओ मैनू ना उत्थे पुत सुन वाले हैं ना धियां सुन वालियां हैं ना वर्की सुन वाली है ना कोई होर है कोई नहीं उत्थे तां मन अंधे जन्म गवाया मन दे अन्ने ने अपना वेख लो जन्म एवें बिगाड़ लिया। जे गुरु को आउंदा गुरु दे कोलों उपदेश लैंदा अपने जीवन सवारन वास्ते उपदेश लैंदा तां उहदा भला होणा सी मारे कहिंदे गुरमुख जन्म सवार दर गए चलिया जिहड़ा गुरमुख है अपने जन्म नूं सवार के जांदा है वाहिगुरु दरगाह ते जदों उत्थे जांदा है उत्थे आदर मिलदा है सत्कार मिलदा है। सो ये मनमुखां दी हालत दसी है ते जिहड़े हठी लोग हन धर्म दे विच हठ करदे हन लोग जिहड़े शेख वर्गे ब्राह्मण वी इहो जिहे जिहड़े हन उह वी उह फिर मारे कहिंदे कि अजिहे लोग जिहड़े हन वो जीवन दे सफल नहीं होंदे हैं दुखी रहिंदे हैं सारी उम्र पौड़ी आपे खाणी आपे बाणी आपे खंड वर भंड करे। वाहिगुरु परमेश्वर ने ही सारियां खाणियां चार किस्म दे जीव हन अंडियां तों पैदा होंदे हैं बहुत सारे जीव अंडियां तों पैदा होंदे हैं जेर तों पैदा होंदे हैं जिवें मझां गवां दे बच्चे हैं सेतज पसीने तो गर्मी तो पैदा होंदे हन जिवें बरसात दे विच थल्लों गर्मी दे नाल निकलदे हन कीड़े मकौड़े गंडोए आदि जुकां ये गर्मी ना पैदा होंदे हन उहदे कोल नहीं किते दिसणगे। सेतज जूआं पै जांदियां हन जिहड़े अपने वाल साफ नहीं करदे वो उहनां दे जूआं पै जांदियां हन बच्चियां दे पै जांदियां हन वो सेतज एक जून है जिहड़ी पसीने तो पैदा होंदी है गर्मी तो पैदा होंदी है। उत्पज उत्पज की है जिनी बनस्पति वेख रहे हाँ जिन्हें दरख्त बूटे हैं ये भी जून है ये कितनी किस्म के बूटे हैं ये धरती चो पैदा होंदे हैं अपने आप ही पैदा होंदे हैं तुसीं देख लो घा अपने आप ही पैदा होंदा है जिथे होना है ना बूटे पत्थरां च भी पहाड़ां च भी बूटे देखो किवें हन अपने आप ही उगे हुए हैं। समुंदर दे जाओ डंगियाई च उत्थे विच भी पहाड़ हन समुंदर दे उत्थे भी बूटे हैं
हरे भरे हैं। उदा बूटा पानी सुक जाता है उत्ते वेख लो, उत्ते भी यही सब कुछ है, हरियावल है। सो यह सारा कुछ वाहिगुरु परमेश्वर ने आप ही चारे खाणियाँ जुगतियाँ हैं, चार जुगतियाँ, चार जुगतियाँ ना जीव पैदा किए हैं वाहिगुरु ने। आपे बाणी, बाणी की है बोली, बोलता भी वो आप ही है। उंज चार बाणियां की गल की है, बैखरी जिहड़ी आपां बोलते हाँ, देखो ये बोल रहे हैं ना, ये बैखरी बाणी है, मूँह तो बोल रहे हाँ, एक दूजे की गल सुन रही है। मध्यमा असी मूँह दे विच बोलते हैं, साढ़े अंदर ही गल रही है, दूजे नहीं सुनती है। फिर पसंती वो जिहड़ी मध्यमा च आवाज़ आउंदी है थोड़ी जी, बिल्कुल स्लो होंदी है। जिहड़ी पसंती है ये दिल दे कोलों आवाज़ निकलती है, ये साढ़े अंदर दी आवाज़ है शब्दावली विच है, आवाज़ सानू आ रही है, तू आ कर लै आ ना कर लै, ये अंदर दी आवाज़ पसंती वा ये बाणी है भी। एक है परा, परा नाभी दे कोल है ये परा बाणी, जिथे कोई अखर नहीं है, धुनी है केवल, ये धुनी है जिवें धुनी होंदी है ना, टिक टिक हो जाए तो वह चों आवाज़ जिहड़ी निकलती है ये परा बाणी है। ये आवाज़ मतलब एहसास की जाती है नाभी जो जिहड़े इस पासे चलते हैं परमेश्वर के मार्ग पर चलते हुए, वो इस आवाज़ नूं अंदरों सुनते हैं। इस आवाज़ इनू ही अनहत बाणी क्या है, यही तुरे हैं, यही चुनकार है, सारा कुछ यही है। सो यही बाणी प्रगट होंदी है जब नाभी दे कोलों ये दसवें द्वार दे चल जाती है धुनी, फिर उत्थे सुनते हैं रब के प्यार वाले जिहड़े हैं उत्थों इस सुनते। ये चार किस्म दीआं बाणियां हैं महाराज ने केतियां खाणी, केतियां बाणी क्या है, बाणियां है ये चार। ये तो जिन्हां लोगों ने हिसाब किताब लाया उन्हां नूं पता है चार बाणियां हैं, मारे कहिंदे बहुत हैं, खाणियां भी बड़ियां हैं, बाणियां भी बड़ियां हैं। ये वाहिगुरु की रचना दे विच आपे खंड वर भंग करे, आप ही वाहिगुरु ने इस जिन्हें जो कुछ वेख रहे हैं, सारे धरती है, किन्नियां धरतियां होर हैं, ब्रह्मांड है, तारे चंद्रमा सूरज पता नहीं किन्ना कुछ है, सारा कुछ आप ही उन्हें बनाया होया। आप समुद्र आप है सागर आप ही विजरतन तरे, वाहिगुरु आप ही वेख लो समुद्र बनया होया है, सागर ते विच समुद्रां दे विच रतन रखे हुए हैं, कीमती चीज़ां समुद्रां दे विच हैं, लोग कढ़ते हैं। पिछे आप शब्द सुनिया सी, ये भी वाहिगुरु परमेश्वर की खेड है, कि किसी ने इंसान ने नहीं वेखो कुछ बनाया, ये अपने आप ही रचे वाहिगुरु के रचे हुए हैं। ये दुई कुदरत साजी है, कारा संगठ जा ये कुदरत है, वाहिगुरु की रची हुई है। आप लहाए करे जिस कृपा, जिसनों गुरमुख करे हरे। फिर संसार सागर आ जा, संसार है इनू भी सागर कह दिता है, इस संसार सागर दे विच अग है, देख लो जैसी अग नुदर उधर मैं तैसी बाहर माया, माया दी अग लगी सब पासे, इस अग दे विच सड़ी जा रहे लोग, मनमुख लोग सड़ रहे हैं, गुरमुख बच जाते हैं गुरु शब्द का सहारा लेके। सो महाराज कहिंदे कि ये वाहिगुरु परमेश्वर आप ही ये सारी रचना रच के संसार समुंदर बना के जिसनों गुरु दे लड़ ला दिंदा है उन्हों इतों पार लगा दिंदा है। आपे भौजल आप है बुझता, आपे खेवट आप तरे, आप ही वह समुंदर है, आप ही जहाज़ है, तो आप ही मलाह है, तो आप ही विच बह के जीवां दे तरन वाला भी आप। इहदा मतलब कि सब कुछ वाहिगुरु ही कर, एक खेड ही वाहिगुरु की चल रही है। ये ब्रह्म दृष्टि है, जदों हर चीज़ ही ब्रह्म, संत जना का पेखन सा ब्रह्म, संत जना के हिरदे सा तरन, ये अवस्था है महात्मा की।
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਆਪੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਆਪੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਦਿਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਖੂਨ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਚ ਦਿਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਹੈ 'ਚ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੰਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਸੌਂ ਗਏ, ਜਾਗ ਪਏ, ਸੌਂ ਗਏ, ਜਾਗ ਪਏ। ਇਹ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਗਹੁ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਿਰਾਏ ਕਰਤਾ ਵਰਨਾ ਦੂਜਾ ਤੁਜੇ ਸਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਵਰਨਾ ਦੂਜਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੋਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਰੱਬ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ। ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘੜੀ ਕੁ ਝੂਮ ਲਿਆ, ਬਸ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਝੂਮ ਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਨਾਮ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿ
वाहिगुरु 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 खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुम ठाकर तुम परदास जियो पिंड सब ते।